अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हो गया हूँ आपके आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं फिर आपके बारे में आपको बताऊंगा स्विमिंग पूल में केमिकल के बारे में। बहुत से लोगों ने ऐसे मिस किया कि हमारा पानी साफ नहीं हो रहा, हम क्या करें। तो चले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल के बारे में, बताते हैं आप लोगों को केमिकल किस मकदार में इस्तेमाल करना है आप लोगों ने और कितने दिन में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि हमारा जो है ना चैनल, ये जो चैनल है एम शार्प टीवी, इसको सब्सक्राइब करना है ज़रूरी। तो चलो हम आपको बताते हैं कि केमिकल किस तरह इस्तेमाल करना है। हमारे पास दो किस्म का केमिकल है, एक है मैजिक, पता होगा सब इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा है शार्क। ये दोनों सऊदी अरब में मिल जाता है, हर जगह पे मिल जाता है। ये है मीडियन सऊदिया और ये है मीडियन जापान। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अच्छा कौन सा है। तो अच्छा ये दोनों है, अच्छा ये दोनों है, ये नहीं है कि ये अच्छा है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है ये अच्छा नहीं, नहीं दोनों अच्छा है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है ना आप लोगों ने तकरीबन गर्मियों में, गर्मियों में आप लोगों ने इस्तेमाल करना है तकरीबन 3-4 दिन के बाद। कितना डालना है, तकरीबन आधा डालना है, आधा डालना है। ये किसी बाल्टी में डाल के मिक्स करना है पानी के साथ, जगह जगह पे डालना है पानी में, जगह जगह पूरा स्विमिंग पूल में घुमा के डालना। और एक और अहम बात, इसको डालने के बाद आप लोगों ने कोई और केमिकल नहीं डाला। अगर आप लोगों ने कोई और केमिकल डाल दिया तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर ये काम नहीं करेगा। तो अगर ये डालोगे, ये केमिकल में जगह जगह पे डालोगे आप लोग, तो फिर 8 घंटे तक कोई केमिकल दूसरा नहीं डालेगा। अगर इसके इस्तेमाल होने का तरीका ये है, अगर आप लोग शाम को डाल दें, शाम को जगह पूरे स्विमिंग पूल में, तो ये सुबह तक फिल्टर भी होगा आप लोगों का पानी और स्विमिंग पूल का पानी बहुत ज़बरदस्त भी होगा। सुबह तक आप लोग ट्राई कर लें, क्योंकि मैं खुद भी सुबह रात को डालता हूँ तो सुबह 12 घंटे इसका फिल्टर चलता है। 12 घंटे के बाद सुबह मैं आ जाता हूँ स्विमिंग पूल, देखता हूँ तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आज मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं फिर दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने अगर स्विमिंग पूल जितना भी बड़ा हो, लेकिन आप लोगों ने आधा डालना है, आधा बाल्टी में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके और पूरे स्विमिंग पूल में डालना है, जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा डाल के, ताकि ये 8 घंटे में या 6 घंटे में पूरे स्विमिंग पूल में मिक्स हो जाए। और उसके बाद एक दूसरी अहम बात कि आप लोगों ने कोई और केमिकल नहीं डाला। अगर तुम अगर केमिकल डालोगे तो ये फिर काम नहीं करेगा, या और केमिकल डालोगे, ये डालोगे तो ना वो केमिकल काम करेगा, ये ना ये काम करेगा। आप लोगों ने एक टाइम में 24 घंटों में या 12 घंटों में सिर्फ एक किस्म केमिकल डालना है, या ये शार्की डालना है, या क्लोर डालना है, या एसिड डालना है, एक किस्म डालना है। तो जो आज मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, कल इंशाल्लाह अगला वीडियो में आप लोग क्लोर के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।